खबर यूपी के कानपुर देहात से, जहां यमुना पट्टी के गांव में बाढ़ ने काफी तबाही मचा रखी थी। इससे यमुना किनारे के कई गांव में पानी भर गया और ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। शनिवार को इन्हीं क्षेत्रों का सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी लालजी शुक्ला ने दौरा किया और ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की। विधानसभा प्रभारी व प्रत्याशी लालजी शुक्ला सबसे पहले क्षेत्र के गाँव गोहानी पहुँचे। वहाँ उन्होंने गाँव में भ्रमण कर हालात की जानकारी ली। इसके बाद यमुना का जलस्तर कब तक कम होगा इसकी जानकारी कराकर ग्रामीणों को राहत दी। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को आटा, दाल, चावल, आलू, तेल, नमक, मसाले आदि वितरित किया। इस दौरान बसपा जिलाध्यक्ष आनंद कुरील, प्रधान गोहानी जितेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। इसके बाद लालजी शुक्ला भूपैयापुर पहुंचे। यहाँ पर भी यमुना में आई बाढ़ से कई घर प्रभावित थे। उन्होंने सभी ग्रामीणों को राहत सामग्री के पैकेट वितरित किए। इसके अलावा बसपा प्रत्याशी ने बछाटी और बैजा मऊ का भी निरीक्षण किया व राहत सामग्री वितरित की। आम जनता के द्वारा मालूम हुआ था बाढ़ आने के बाद बहुत से गांव और गांव में बहुत से घर डूब चुके थे और जिनके यहाँ खाने पीने की दिक्कत थी। तो ऐसा सभी लोगों के कहने पर और ऐसा हमारा भी मन हुआ, एक जनप्रतिनिधि का चुनाव है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और पूर्व से ही समाज सेवा का संकल्प हमारे मन में रहा है। तो हमारे मन ने भी कहा कि जो भी हमसे बन पड़ेगा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वो हम सेवा करने के लिए निकले। अब अभी हमने लगभग 150 पैकेट बांट चुके हैं हम गोहानी में और यहाँ पे तो भुपैयापुर में, दोनों ही जगह में 150 पैकेट लगभग बढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बछाटी जाएंगे और भी एक आध गाँव जाएंगे। हमारे पैकेट में 5 किलो आटा और 2 किलो चावल, 1 किलो तेल, 5 किलो आलू, नमक, ये सब सामग्री है उसमें, चावल भी है 2 किलो। कानपुर से कमर महमूद की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।